हेलो एंड वेलकम टू द क्वालिफाइड विथल। इस वीडियो में बात करूंगा ना कि आप मॉक टेस्ट को अटेंड कैसे करें। जैसे आप मॉक टेस्ट अभी लगाते होगे ना, क्योंकि लगाते भी हैं बच्चे और अपने स्क्रीनशॉट भी शेयर करते हैं, अच्छे अच्छे नंबर आते हैं, 72, 75, 80, 85 ऐसे नंबर आते हैं बच्चों के, तो अच्छा लगता है। पर मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करो, क्योंकि मैं जब 2018 में तैयारी कर रहा था, जब मुझे 2018 में ग्रुप डी का पेपर देना था, तो मैं कैसे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करता था जिससे कि मेरा पेपर क्लियर हो पाया था 2018 ग्रुप डी का, तो उसी बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए, सपोज दैट आपने कोई मॉक टेस्ट दिया, ठीक है, आपने सारे 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया। अभी मैं ये नहीं बताऊंगा कि अभी मैं आपसे ये बात करूंगा कि मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसको एनालाइज कैसे करें, क्योंकि तभी आपको पता चल पाएगा कि मॉक टेस्ट को डील कैसे करते हैं। क्योंकि अगर आपने पेपर को अच्छे से एनालाइज किया, डील तो आपको खुद ही करना है, मतलब पेपर को तो खुद ही अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, मेन चीज क्या होता है, उस चीज को एनालाइज करना। मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको ये देखना होता है कि उसमें क्या आपने कैसे गलती करा है, कहाँ पे आपकी मिस्टेक्स हुई है, कहाँ पे आपने सिली मिस्टेक कर दिए जहाँ पे आपको नहीं करनी चाहिए थी, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना। सपोज दैट आपने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर लिया, सपोज दैट आपने टेस्ट बुक से कोई मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया, 100 क्वेश्चन आपने दे दिया। ठीक है, आपके मॉक टेस्ट में सपोज करता हूँ कि आपके 65 नंबर आ गए। 65 नंबर आने के बाद ठीक है, आप उसको देख लो, अपनी रैंक देख लो, आपकी कुछ रैंक भी आ जाएगी, परसेंटाइल भी आ जाएगी। ठीक है, परसेंटाइल तो ऐसे अच्छा ही आना चाहिए। ठीक है, तो परसेंटाइल आने के बाद आपको किन चीजों पर फोकस करना है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए, 65 नंबर तो आपका आ गया, अभी आपको क्या करना है, सोल्यूशन वाले पे क्लिक करना है। रिजल्ट आने के बाद, रैंक आने के बाद आपको सोल्यूशन वाले पे क्लिक करना है। सोल्यूशन करने पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, देखना है कि सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आपने कौन से क्वेश्चन को इनकरेक्ट किया है। सबसे पहला पॉइंट आपको यही देखना है, कौन कौन से क्वेश्चन को आपने इनकरेक्ट किया है। तो इनकरेक्ट वाले सेक्शन में जाना, वहां पे रेड कलर से होगा, उसको देख लेना कौन कौन से क्वेश्चन को आपने इनकरेक्ट किया है। तो इनकरेक्ट वाले में के बाद आपको ये देखना है कि वो आपसे इनकरेक्ट क्यों हो गए हैं। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए ना, जो इनकरेक्ट होने वाले थे, जो वास्तव में आपको नहीं आ रहे थे, चलो वो तो अच्छी बात है, पर वहां पर आपको उस चीज पर फोकस करना है कि आपके क्या ऐसे क्वेश्चन गलत हो गए हैं जो आपको आने चाहिए थे, जो आपको करने चाहिए थे, जो आपको सही होना चाहिए था। अगर उस तरह के क्वेश्चन गलत हो गए हैं ना, तो उस पर आपको फोकस करना है। आप देखोगे ना कि ऐसे क्वेश्चन को आप गलत करके आए हो जो कि आपका सही होना चाहिए, आप सिली सिली मिस्टेक्स वहां पे किए रहोगे। कोडिंग डिकोडिंग का कोई ऐसा क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना जो बिल्कुल गलत नहीं हो जाना चाहिए था, आपके थोड़े से ध्यान न देने की वजह से या पर लापरवाही की वजह से आप वो क्वेश्चन गलत करके आ गए होगे। आप देखोगे कि परसेंटेज का कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको जॉब के सही होने चाहिए थे, वो भी आप गलत करके आ गए होगे। साइंस का कोई ऐसा क्वेश्चन है या फिर कोई न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है जहां पे आपने यूनिट वगैरह का कुछ गलती कर दिया है, इस तरह के आपको छोटे छोटे आपको गलती देखने को मिलेंगे। तो ये होते हैं सिली मिस्टेक्स, और ये सिली मिस्टेक्स ही आपको पेपर से बाहर कर देते हैं। एक दो नंबर से अगर आप रह जाओगे ना, तो यही मिस्टेक आपको जिंदगी भर याद रहेंगे। तो सिली मिस देखने, इनकरेक्ट में ये देखना, अगर आपका कोई कठिन क्वेश्चन गलत हुआ है जो वास्तव में गलत हो जाने चाहिए थे, तो उस पर आपको बिल्कुल अफसोस नहीं करना है, उसको आपको पढ़ लेना है, उस टॉपिक को आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना है, जिससे कि आपको आने वाले मॉक टेस्ट में वो गलती है, उस वाले टॉपिक में तो गलती करो ही ना फिर। और दूसरा चीज क्या देखना है, आपकी सिली मिस्टेक देखना है कि आपके किस क्वेश्चन में सिली मिस्टेक कर दिए जो कि आपकी गलत नहीं होनी चाहिए था। अगर ये वाले क्वेश्चन आपको गलत हुए ना, तो वो गलती आपको दोबारा वाले मॉक टेस्ट में कभी नहीं करनी है, सिली मिस्टेक वाले जो मैंने आपको बताया, कोडिंग डिकोडिंग परसेंटेज या फिर साइंस के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वाले, कुछ भी हो गया। ठीक है, तो इन सब चीजों पे ध्यान देना है। और सेकंड क्या करना है, ये तो आप इनकरेक्ट वाले पोर्शन में करोगे, और सेकंड क्या करोगे ना, जो आपको अनअटेम्प्ट वाले, मतलब जिनको आपने छोड़ दिया था, जिनको आपने छुआ ही नहीं था, तो देखना है कि उसको आपने क्यों अनअटेम्प्ट किया, मतलब क्यों उसको अटेम्प्ट नहीं किया है। तो सपोज आपने 10 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, मान के चलता हूं, तो 10 क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये देखना है कि उसको आपने छोड़ा क्यों, क्या वो आपको आ नहीं रहे थे। अगर नहीं आ रहे थे तो ठीक है, आपने पढ़ा नहीं था, तो चलो वो तो छोड़ने वाला ही था। और आपको साथ ही साथ आपको ये भी देखना है ना कि कहीं आपने ऐसे क्वेश्चन तो नहीं छोड़ दिए जो आपको आ रहे थे, पर आपको उस टाइम आपके माइंड में वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आया था, बाद में एग्जाम हॉल के बाहर आया या फिर आप मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको याद आया, तो वो देखना है कि अगर ऐसे गलती हो रही है ना, तो उन सारे टॉपिक्स को आपको रिवाइज कर लेना है। छोड़ने का मतलब क्या होता है, जो क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं है, कभी आपने सिलेबस में देखा नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आ गए, तब उसको आपको छोड़ना है तो उचित होता है। मगर आपने ऐसी चीज को छोड़कर आया जो आपने पढ़ा था, पर उस टाइम आपको एग्जाम में याद नहीं आया, फिर मॉक टेस्ट देते समय आपको याद नहीं आया, अगर उसमें गलती की हो ना, तो उस पर आप ध्यान देना क्यों गलती हुआ है, उस चीज को सुधारना। तो ये आपको काम करना है अनअटेम्प्ट वाले में। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, देखो अब ध्यान से सुनना, बच्चे क्या करते हैं, ये दोनों चीज देख के ना, बस उनका एनालाइज खत्म हो गया। ठीक है, क्या करते हैं, एनालाइज उनका खत्म हो गया, हाँ मैंने इनकरेक्ट देख लिया, मैंने अनअटेम्प्ट वाला देख लिया, हो गया एनालाइज, सरासर गलत है। एक चीज पे आपको और फोकस करना है, जो कि बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे के 90% बच्चे नहीं करते हैं, वो क्या करना है, आपको करेक्ट वाला पोर्शन भी आपको खोलना पड़ेगा, वो ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, आपको करेक्ट वाला पोर्शन भी एक बार खोलना पड़ेगा, आपको उसमें ये देखना है ना, करेक्ट तो चलो आपने किया है, पर आपको ये देखना है ना,
कि एक बार तो आपको सिंपली रिवाइज कर लेना है कौन कौन से आपने करेक्ट किए, वो करने के बाद आपको क्या करना है ये देखना है कि किस क्वेश्चन पे आपने ज्यादा टाइम दे दिया है। करेक्ट हुआ है चलो ठीक है, क्या उतना टाइम देना उचित है? आप देखोगे कि यार मैंने एक मैथ के क्वेश्चन पे 3 मिनट 27 सेकंड दे दिया, मैंने एक साइंस का न्यूमेरिकल लगाने में 5 मिनट 33 सेकंड दे दिया, मैंने एक मैथ का कोई मैथ का आपने कोई प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन हो गया या फिर शेयरिंग या पार्टीशन वाला हो गया उसमें आपने दे दिया 4 मिनट 37 सेकंड। आपको ये देखना है कि क्या उस पेपर में इतना टाइम देने लायक था, इस पे फोकस करना है। ठीक है, इस पे फोकस करना है तो ये देखना है कि यार वो पेपर मान लो क्वेश्चन था तो आपने उस पर 4 मिनट 37 सेकंड दे दिया है, 5 मिनट 32 सेकंड दे, जो भी टाइमिंग है, अगर आप उस क्वेश्चन पे उतना टाइम दे रहे हो ना तो उस चीज में भी आपको सुधार करना है। क्योंकि अगर वो टाइम आप कहीं और लगाए होते ना, जो आपसे क्वेश्चन छूट गए थे, जो आप जिस पे आप विजिट ही नहीं कर पाए थे, ठीक है, तो वो सारे जो क्वेश्चन छूट गए थे ना केवल उन क्वेश्चन की वजह से जहां पे आपने 5 मिनट दे दिया, 4 मिनट दे दिया या 3 मिनट दे दिया, तो उसमें देखना है आपको उतना टाइम उसमें नहीं जाना चाहिए था। ठीक है ना, इन चीजों पर फोकस करना है। इस तरह पे आप तीनों सेशन को अच्छे से डील करो ना, फिर उसके बाद जब मॉक टेस्ट लगाओगे ना, मैं गारंटी लेता हूँ ना नंबर आपके जरूर बढ़ेंगे। और वही चीज आप एग्जाम हॉल में भी फॉलो करना, गारंटी लेता हूँ कि आपका सिलेक्शन भी आसानी से हो जाएगा। इस चीज को फॉलो किया था और सिलेक्शन भी खुद लिया था, ठीक है, इस चीज की गारंटी है। और एक्सपीरियंस बेस पे बात कर रहा हूँ, ऐसे हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से मैंने आपको बताया कि किसी मॉक टेस्ट को डील कैसे करते हैं, ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डील करना है, ठीक है, ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है। और हाँ, एक चीज बताना भूल गया, अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो ना, वहां पे भी आओ, वहां पे भी जुड़ो, बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा और वहां पे अपने क्वेश्चन को पुट कर सकते हो। अच्छे अच्छे ब्रिलियंट बच्चे वहां पे जुड़े हुए हैं मेरे साथ, ठीक है, तो उसका लिंक भी वीडियो के नीचे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसको जाकर तुरंत ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो अभी के लिए चलूंगा, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो किसी अन्य टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।